गूगल क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ नए टैब में मैं adsense.com खोल लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम adsense, सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो आ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है google.com साइन अप फॉर adsense अकाउंट। तो सिंपली करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप आईडी बनाते हैं जीमेल वगैरह की, उसी टाइप का है ये। सिर्फ साइन अप नाउ में क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपकी जो है, जो भी जीमेल से आपने बनाई है अपनी यूट्यूब अकाउंट, तो वो जीमेल से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरे 3 अकाउंट हैं, जिसमें कि मैंने ये अभी नया अकाउंट बनाया है, तो इसी से मैं यहाँ 07 वाइन्स जो है, इसी से मैं लॉगिन होऊंगा यहाँ। तो देखिए, पहले आप लॉगिन हो जाइए, और आप जो है इसमें लॉगिन होने के बाद यहाँ देखिए कुछ मांग रहा है योर वेबसाइट। तो हम जाएंगे सिंपली अपने होम पेज में, और यहाँ यूट्यूब में जाने के बाद हम जाएंगे अपनी चैनल में जो है 07 वाइन्स। तो यहाँ से हम अपना चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ चैनल ये है। तो देखिए ये हमारा चैनल आ गया। इसकी लिंक आप कैसे निकालें, तो सिंपली देखिए यहाँ जाइए आप अकाउंट में, और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ टैप कीजिए अपनी प्रोफाइल पिक में, और यहाँ जाने के बाद आप ये मोर ऑप्शन में जाने के बाद शेयर में जाइए। शेयर में जाने के बाद कॉपी लिंक कर दीजिए, यहाँ की लिंक कॉपी हो गई। अगर आपको एडसेंस में आपकी वेबसाइट है या फिर कुछ है दूसरी चीज़ें, तो आप यहाँ आपकी वेबसाइट भी डाल सकते हैं इसकी लिंक। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम यूट्यूब की लिंक डाल दिए हैं। और यहाँ देखिए सेकंड स्टेप है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो यहाँ आप क्या दे रहे हैं, यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प फॉर परफॉर्मेंस सजेशन, तो आप इसे यस कर दीजिए। आप नो भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। आपकी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि हमारी कंट्री लगभग अपनी कंट्री होगी इंडिया। इंडिया के रहने वाले हैं अपन, तो इंडिया देख लीजिए। यहाँ ये मिल गई, सॉरी इंडोनेशिया, इतना प्यार नहीं करते मेरे को इंडोनेशिया वाले, इंडिया वाले बहुत प्यार करते हैं। तो हम आ गए अब इंडिया, कंट्री हमने सेलेक्ट की। यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके लिए हम तो बैठे हैं, जो भी दिक्कत है आप पूछ लीजिए कमेंट में। सिंपली यहाँ यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट क्लिक कर दीजिए, क्रिएट एन अकाउंट कर दीजिए सिंपली। इसके बाद देखिए यहाँ है गुड न्यूज़, वी कैन सेटअप फास्टर ऑन यूट्यूब, प्लीज़ कंटिन्यू देयर। तो अगर आपका दूसरा कुछ URL है, तो आप यहाँ से यूज़ डिफरेंट URL में क्लिक करके उसे भी डाल सकते हैं। या तो सिंपली हम यहाँ कंटिन्यू इन YouTube में क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये लोड ले रहा है, और ये लोड हो गया है। तो यहाँ कुछ हेल्प है YouTube के तरफ से, और यहाँ से हम सिंपली जाएंगे और मैनेज अकाउंट में जाएंगे। अभी मेरा पुराना अकाउंट खुल गया है इसमें, और यहाँ जाने के बाद हम 07 वाइंस जो हमारा थर्ड अकाउंट है, ये बैड रिक्वेस्ट बोल रहा है मुझे, इस वाले को पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। तो इसे मैं जाऊंगा सिंपली, इस वाले को मैं यहाँ से लॉग आउट रिमूव अकाउंट कर दूंगा। तो यहाँ मैंने इसे रिमूव कर दिया है। यहाँ ऐड अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ से सिंपली हम 07 वाइंस को ले लेते हैं, और यहाँ इसका पासवर्ड मैं डाल दूंगा, जिसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। तो देखिए हम लॉगिन हो गए। प्रोटेक्ट योर अकाउंट 207 जो मेरी अपडेट है वो मैं कर दूंगा यहाँ से अपडेट। और इसके बाद आप यहाँ फ़ोन नंबर अपना डाल सकते हैं, जो मेरा फ़ोन नंबर है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके लिए भी मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरा नंबर जो है मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो है मैं 0 हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ का जो स्पेस है ये भी हटा देता हूँ। तो ये नंबर है हमारा, इसे नेक्स्ट कर दीजिए। और ये बोल रहा है कि आपका
मेक श्योर दैट योर गूगल को सेंड योर मैसेज। हाँ भाई बिल्कुल, हम मैसेज लेने के लिए तैयार हैं 6 डिजिट का, तो ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया मेरे दूसरे फ़ोन में मैसेज, तो मैसेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जी तो लगा हुआ है 3239 08, तो ये नंबर मैंने इसमें रजिस्टर कर दिया है जो आपसे जिसमें बात होती है। इंटर योर ईमेल रिकवरी ईमेल अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं इसे स्किप कर दूंगा। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिट ऑन योर गूगल अकाउंट, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी आप कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं आप इसमें जो है ऐड हो गई है। अब इसे डन कर देते हैं सिंपली। ये बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, मैंने अकाउंट अपना जो है बना लिया है सपोर्ट टीम के ज़रिए, तो मैं इसमें सिंपली इसे कैंसिल करूंगा और यहां मैं फिर से एक गूगल एडसेंस की वेबसाइट खोलूंगा न्यू। तो गूगल एडसेंस में डायरेक्ट लॉगिन कर दूंगा, तो यहाँ लॉगिन हो गए हम, तो सिंपली लॉगिन नहीं हुए हैं तो यहाँ हम लॉगिन हो जाएंगे साइन इन में जाके। साइन इन में जाने के बाद हम अपना अकाउंट ले लेते हैं 07 दोस्त। तो सिंपली फ्रेंड्स वहां से ये आईडी जो है आपकी बन गई है। अब आप सिंपली जाइए एडसेंस में और यहां जाने के बाद आपका जो है लॉगिन जो भी है अकाउंट वो अकाउंट जो है यहां लॉगिन कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया है। अब यहां से देखिए यहां पेज व्यू इम्प्रेशन क्लिक सब यहीं से दिख जाएंगी। तो इस में आने के सिर्फ ये अकाउंट तो बन गया है, अब इसके बाद का स्टेप आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अभी एडसेंस में अकाउंट बस बनाना है। ये बन गया, अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली बैक जाना है और इसके बाद का स्टेप बहुत लंबा है, वीडियो 9 मिनट की हो गई है। और फ्रेंड्स इसके बाद का स्टेप आप गूगल क्रोम से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में जाने के बाद आप youtube.com में जाइए और इसे यहाँ से डेस्कटॉप वर्जन की साइट रिक्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट जो है वहाँ ओके कर दीजिए। आपको सिंपली इस टाइप का पेज जो है ओपन होगा YouTube का, जो देखिए ओरिजिनल जो पेज होता है डेस्कटॉप का वो जो है ओपन होगा इस टाइप का। तो आप आपकी आईडी से यहाँ लॉगिन पहले से रहेंगे, अगर नहीं है तो कर लीजिए। और इसके बाद आप देखिए यहाँ क्रिएटर स्टूडियो जो दिख रहा है ये है डेस्कटॉप वर्जन का क्रिएटर स्टूडियो, जिसकी मैं अभी आपको इंटरफेस दिखा दूंगा। तो ये देखिए इंटरफेस आ गया है यहाँ डेस्कटॉप वर्जन का, इस टाइप से ये डेस्कटॉप में खुलता है। जो मैंने पिछली वीडियो में क्रिएटर स्टूडियो दिखाया था वो एंड्रॉयड वर्ज़न था, मतलब एप्लीकेशन था, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कभी कभी आता हूँ इस वाले वर्ज़न में क्योंकि मुझे जब चैनल टैप का जो है आप देख रहे होंगे यहाँ चैनल ये इसका काम रहता है, जब भी मैं आता हूँ या फिर मेरे फ़ोन में कोई कॉपीराइट या गाइडलाइंस स्ट्राइक लगती है जब भी मैं आता हूँ इस वर्ज़न के क्रिएटर स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ बहुत सी काम की चीज़ें हैं, वैसे आप सभी तो उसी से ही कर सकते हैं, किससे, क्रिएटर स्टूडियो से, एप्लीकेशन से, लेकिन यहाँ जो है ये चैनल वाला जो फीचर है आपको वहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए आप स्टेटस एंड फीचर्स में जाएंगे यहाँ जैसे ही, तो यहाँ आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी जो हैं इंटरफेस। तो कॉपीराइट स्टेटस आपको ये जो दिख रही ग्रीन यही रहने देना अपनी वीडियो अपने चैनल में, अगर ये यहाँ गई या फिर यहाँ भी गई तो आपका चैनल यहाँ में बंद हो जाएगा, अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आपको लगी। और वैसे ही केस है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का, जो है कम्युनिटी गाइडलाइन भी अगर आपको इतनी लगी तो आपका चैनल जो है बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं सच बोलता हूँ कि आप कोई कॉपीराइट यूज़ ना करें, खुद का कंटेंट यूज़ करें, किसी की कॉपी ना करें तो आप यहाँ सेफ रहेंगे। और कम्युनिटी गाइडलाइंस का केस ऐसा है कि आप कम्युनिटी में कुछ गलत टाइटल, कुछ गलत थंबनेल, कुछ बेकार जो होते हैं कम्युनिटी के ख़िलाफ़,
तो वो यूज़ ना करें हैकिंग क्रैकिंग से रिलेटेड या फिर जो भी गंदी चीज़ें होती हैं YouTube में आजकल हो ही रही हैं, तो वो चीज़ें यूज़ ना करें, नहीं तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ जाएंगी। तो वो आपको नहीं करना है दो चीज़। उसके बाद आते हैं हम नीचे, देखिए कुछ फीचर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि अपलोडिंग ये अनेबल है। आपको यहाँ की सभी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें अनेबल करना है, तो वो कैसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन में जाना है, मोनेटाइजेशन यहाँ से अनेबल में क्लिक करना है, तो ये आपको एक पेज में खोल देगा, और यहाँ से आप YouTube पार्टनर में जो है आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली फर्स्ट स्टेप मैंने अभी पूरा कर दिया था, अब सेकंड में आया हूँ मैं। अपना एडसेंस अकाउंट बन गया है, तो आप यहाँ से साइन अप एडसेंस अकाउंट कर सकते हैं। और ये जो है मोनेटाइजेशन चालू करने के लिए आपके लाइफ टाइम व्यू 10,000 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 10,000 व्यू आप बैक टू बैक मतलब कंटिन्यू वीडियोस डालते रहिए, 10,000 व्यू आराम से हो जाएंगे आपके। तो इसके बाद आपको मोनेटाइजेशन चालू होगा। तो देखिए यहाँ कुछ बोल रहा है, यू विल बी एडसेंस लेंगे अलाउ येट, तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है यहाँ लॉग इन नहीं है, तो आपको इसमें अभी ध्यान नहीं देना जब तक आपके 10,000 सब्सक्राइबर व्यू पूरे नहीं होते हैं। तो फिर से हम स्टेटस एंड फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ जो है देखिए लाइव स्ट्रीमिंग आपकी 1,000 व्यू के बाद चालू हो जाएगी, तो इसे भी अनेबल कर दीजिए। यहाँ से लॉन्गर वीडियो, फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है लॉन्गर वीडियोस का, ये आपको चालू करना है, क्योंकि आपकी जो है वीडियोस 15 मिनट से कम वाली वीडियोस तो अपलोड हो जाएंगी, लेकिन 15 मिनट के बाद वाली वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं होंगी। तो इसे सिंपली अनेबल में क्लिक करते हैं, और ये क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है आपका अकाउंट, तो हम यहाँ कर देते हैं टेक्स्ट टू वेरीफाई, और अपना नंबर जो है यहाँ डाल देते हैं। तो नंबर डालने के लिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अपना जो भी नंबर था, और इसे कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आएगा, जो कि मैं अभी देख लेता हूँ आया कि नहीं। तो ये आ चुका है मेरे पास, और मैं यहाँ इसे डाल देता हूँ, जो कि है 571274। तो ये वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया है और इसे वेरीफाई कर लिया है। तो कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, और ये पार्टनर वेरीफाइड यहाँ लिख के आ गया है, और यहाँ भी आपकी लॉन्गर वीडियोस जो हैं अनेबल हो गई हैं, और बहुत सी चीज़ें यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली अनेबल हो गई हैं आपको सिर्फ वेरीफाई करने से। पार्टनर वेरीफाइड हो गए हैं अपन, यहाँ सिर्फ मोनेटाइजेशन अपन को चालू करना है। मोनेटाइजेशन चालू जब होगा, जब आपके आपके चैनल में 10,000 व्यू लाइफ टाइम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसे भी करके आप आपकी वीडियो शेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन 10,000 व्यू कैसे भी कर ही लो। तो ये सब चीज़ आपकी चालू हो गई हैं, जो कि है लॉन्गर वीडियोस, और आप अपनी वीडियोस को प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप कस्टम थंबनेल डाल सकते हैं अपनी वीडियोस में। जो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जो वीडियो ओपन करने से पहले जो सामने दिखता है कि बिफ़ोर आफ्टर, तो वो कैसे डालते हैं, तो वो भाई कस्टम थंबनेल से डलता है, जो कि आपको क्रिएटर स्टूडियो में मैंने दिखा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, और इसमें एक मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है कि थंबनेल कैसे अपलोड करते हैं और कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके मेरे चैनल को ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं हम नीचे, ये तो कोई काम का नहीं है। इसके बाद ये है पेड कंटेंट, ये भी कोई काम का नहीं है। सुपर चैट, जब आप लाइव आते हैं, जब ये सुपर चैट चालू होती है, कम से कम उसके लिए 1,000 सब्सक्राइबर आपके होना कंपलसरी है लाइव आने के लिए। उसके बाद है कस्टम URL, ये भी कोई काम का नहीं है। कॉन्टेंट ID ऐप, ये भी कोई काम का नहीं है। और स्पॉन्सरशिप काम का है, लेकिन ये अभी चालू नहीं होते सब। जो मेन है वो ऊपर ही हैं, जो है अपलोडिंग, मोनेटाइजेशन, कस्टम थंबनेल और लॉन्गर वीडियो। ये इतनी चीज़ आप अभी फ़िलहाल में चालू कर लीजिए,
और इसके बाद वीडियोस धनाधन डालते जाइए, आपके व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइबर रहने दीजिए, अगर नहीं भी बढ़ रहे हैं तो व्यू पहले बढ़ाइए 10,000 जैसे तैसे आप कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद करना ये होता है कि आपका एडसेंस जो है, एडसेंस अकाउंट में जाइए आप, और यहाँ मैं दिखा देता हूँ अभी मेरा एक चैनल, एक एडसेंस अकाउंट जिसमें अभी कुछ डॉलर्स आए हैं, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको साइन इन करके वो अकाउंट, कि उसके बाद एडसेंस में करना क्या होता है। तो मेरा ये वाला अकाउंट मैं लॉग इन करता हूँ, इसमें इसका पासवर्ड मैं स्किप कर देता। तो फ्रेंड्स ये साइन इन हो गया है और आप देख सकते हैं मेरा एडसेंस अभी जो है नया नया जो है चालू हुआ है, और इसमें अभी हुए हैं $10। आपके अकाउंट में मोनेटाइजेशन जब चालू होगा, जब आपके 10,000 व्यूज़ आएंगे आपके लाइफ टाइम, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन चालू होगा। फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा आपकी वीडियोस वायरल होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके आपके एडसेंस में जैसे ही $10 होते हैं आपके, यहाँ देखिए आ जाएगा, और $10 होते हैं तो आप उसमें एक्शन बटन आ जाएगी, यहाँ देखिए एक एक्शन बटन आ गई, तो आप सिंपली $10 के बाद आप अपना एड्रेस वेरीफाई में लगा दीजिएगा। एड्रेस वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर आप छोटे शहर से हैं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, और अगर आप कोई बड़े शहर से हैं, फेमस सिटी से हैं, तो बहुत जल्दी आपका पिन जो है घर में आ जाएगा। तो मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें पिन अभी तक आया नहीं था मतलब, तो मैंने उसे मैन्युअली वेरीफाई करवाया हूँ। तो यहाँ आप जब तक पिन नहीं आता, आपका सबमिट पिन में क्लिक करते रहिए, और एक यहाँ नीचे वीडियो एक नीचे बटन आती है कि रिसेंट, तो ये कम से कम 3 महीने लगाता है मैन्युअली में, तो $10 के बाद आप इसे वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए उससे, जो कि बैंक अकाउंट लिंक होता है मैं बता देता हूँ कहाँ से होता है। तो ये सब चीज़ में अभी टाइम लगेगा, आप सिर्फ अभी चैनल बनाइए, उसको मोनेटाइजेशन चालू करिए, एडसेंस अकाउंट बना के रख लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए अपना एड्रेस, और उसके बाद आप बैंक अकाउंट, जब आपके पास $10 हो जाएंगे तो आप उसमें बैंक अकाउंट लिंक करवा सकते हैं। तो वो कहाँ से करवाते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ से जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे आप होम में। होम में जाने के बाद यहाँ बैलेंस के साइन दिख रहा है आपको, यहाँ जाएंगे व्यू पेमेंट्स में जाएंगे। तो यहाँ जब तक आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलने का। फिर यहाँ जाने के बाद आप हाउ टू गेट पेड में जाएंगे, ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ देखिए चालू नहीं हो रही। जब तक हमारा एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा तो हम पेमेंट भी नहीं ले सकते, और $10 जब तक आपके मेन एडसेंस में नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं डाल सकते। तो देखिए मेरे अभी $0.10 हैं, तो जब तक ये वाले $10 यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, अभी ये होंगे कम से कम 11 तारीख को, अभी कौन सी डे, आज कितनी तारीख है, 4 तारीख, तो महीने की 11 तारीख में आपको यहाँ ये वाले पैसे यहाँ अपडेट हो जाएंगे जितने भी बनेंगे। जैसे मेरे 7 दिन में $8 बने थे, आज 2 बने, कल 7 बने थे, तो ये सभी जोड़ के जितना भी अमाउंट आएगा 11 तारीख तक वो यहाँ अपडेट हो जाएगा।